नामवर मॉडल और अदाकारा आमिना इलियास को अपनी दिलकशी पर सिर्फ 15 बरस की उम्र में ही मॉडलिंग के लिए मुंतखब कर लिया गया था। जब वो अपनी बहन के साथ फोटोशूट पर गईं, तो फोटोग्राफर ने उन्हें मॉडलिंग के लिए बेहतरीन चेहरा करार दिया। आमिना इलियास ने हाल ही में समा टीवी के मजाहिया शो हद कर दी में शिरकत की, जहाँ उन्होंने अपने इब्तदाई करियर, अदाकारा मीरा के साथ ताल्लुकात और दिलचस्प वाकयात का तस्करा किया। प्रोग्राम के शुरू में मेजबान मोमिन साकिब के सवाल पर मॉडल आमिना इलियास ने बताया कि जब वो 15 साल की थी तो अपनी बहन उज्मा इलियास के साथ एक फैशन शूट में उनके साथ गई। मैं अपनी बहन के साथ फैशन शूट में गई थी। रंगत में सांवली और जिसामत में बहुत पतली थी, फ्रॉक पहना हुआ था। बहन की शूटिंग के दौरान मैं सेट पर थी और बहुत शर्मीली थी। उन्होंने बताया कि सेट पर मौजूद नामवर फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट आकिफ इलियास ने मुझे देखा और उन्होंने मेरी कुछ तस्वीर बनाई जो कि बहुत खूबसूरत आई थी। उन्होंने वो तस्वीर अपनी वालदा के साथ शेयर की और उन्हीं की रजामंदी से बतौर मॉडलिंग शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा। बतौर मॉडल उनका पहला शूट नामवर मैगजीन शी के लिए था। नामवर मॉडल ने फिल्म स्टार मीरा के साथ अपने ताल्लुक के बारे में बताया कि मीरा जी के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। उनकी जहाँ मीरा से दोस्ती है वहीं बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं। उनकी मीरा जी से सेट पर भी बहुत लड़ाइयाँ हुई। मिसाल के तौर पर कभी स्क्रिप्ट और कभी कपड़ों पर बहस हो जाती थी, लेकिन आखिर में सुलह कर लेती थी। आजकल अदाकारों को उनकी खूबसूरती के बजाय टैलेंट को देखते हुए किरदार दिए जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। हर इंसान खूबसूरत है। अदाकार जो किरदार अच्छी तरह निभा रहा है उन्हें इसी के लिए कास्ट कर लेना चाहिए। वाज़ह है कि आमिना इलियास ने मॉडलिंग से करियर का आगाज किया था और उन्होंने कम उम्र में ही रैंप पर वॉक करके खुद को मनवाया। उन्होंने छोटी स्क्रीन से कबल बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी की और उनकी पहली फिल्म जिंदा भाग 2013 में रिलीज हुई। पहली फिल्म रिलीज होते ही आमिना इलियास के लिए नई दुनिया के दरवाजे खुले और वो फिल्मों के बाद ड्रामों में भी दिखाई देने लगी। और बाद अजां उन्होंने थिएटर्स में काम किया और लोगों को अपनी अदाकारी से मुतल्लिक गर्वित बनाया। अगरचे मद्दाह आमिना इलियास को अच्छी अदाकारा मानते हैं, तहम वो खुद एतराफ करती है कि अब तक वो कैमरे के सामने जाते हुए नर्वस हो जाती हैं और उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि वो अदाकारा बनेगी। आमिना इलियास आखिरी बार बड़ी स्क्रीन पर 2019 की मकबूल फिल्म बाजी में नजर आई थी, जबकि वो छोटी स्क्रीन पर सन 2017 में दिखाई दी थी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।